सादत अली सिद्दीकी यानी लखनऊ कैब ड्राइवर को क्या इंसाफ मिल पाया 11 तारीख को? जी हाँ दोस्तों, अभी तक सादत अली सिद्दीकी को इंसाफ नहीं मिला। हालांकि हमने कॉल पे बात की, सुनिए उस कॉल रिकॉर्डिंग को, क्या बोला हमें सादत अली सिद्दीकी ने। तो भैया फेस्टिवल चल रहा था, उसकी वजह से आगे बढ़ गई, वो जांच नहीं भेजी उन्हीं ने, अब भेजी है, अब 16 तारीख कर दी है। अच्छा 16 तारीख कर दी है। हाँ 16 तारीख कर दी है, और हो सकता हो पुलिस पे जो FIR तो दर्ज होती है, शायद वो सिविल जज जो है वो FIR दर्ज कर दे शायद। अच्छा। तीन डेटे हो चुकी ना, इन्हें अपनी तहरीर नहीं भेजी, और कृष्णा नगर के इंस्पेक्टर का भी फोन आ रहा था मेरे पास, उससे कहने के चार्जशीट आ गई है सर, आगे देख लीजिए। मैंने कहा वही कोर्ट भेज दीजिए। अच्छा। हमने कहा मैं एक बार आया था तो आप लोगों ने मुझे बंद कर दिया था 24 घंटे, और मुझे थाने से जाने से मुझे लगता है डर। अच्छा। मैं इसीलिए नहीं जाऊंगा। अच्छा वही चीज। और सर क्या लगता है अब इंसाफ मिल पाएगा? अरे भाई कोशिश तो कर ही रहे हैं, बस आप लोग की दुआएं रहेंगी तो इंसाफ मिलेगा। बस ये देख लीजिए, ये सरकार ऐसी है बहुत ज्यादा, ये कि कोई वो नहीं मिल रहा इससे न्याय। अच्छा। और सर के काम कुम क्या कर रहे हो अभी फिलहाल? काम वाम कुछ नहीं चल रहा भाई, घर में बैठे हैं। कैब ड्राइवर वाला काम अभी? कैब ड्राइवर वाला माम अभी आईटी खराब पड़ी हुई, कहाँ से चालू होगी भाई? जो लाइसेंस मेरा गिर गया था पर्पस, अब अभी बीच में, अब वो बनने के लिए रेनुअल के लिए दिया है, बनाने के लिए बनेगा तो फिर वो आएगा। और पहले वाली में जहाँ पहले काम करते थे आप कैब ड्राइवर का, वही करोगे? वही करेंगे जो हमारा पेशा है भाई, वही करेंगे काम। और वो मेरा लाइसेंस, मेरा पर्स गिर गया ना सलमा सर, वो पर्स गिरने से सारा ID सब चली गई। अब हमने फिर से अप्लाई करी है, उसकी रसीद भी काट दी है, कटवा दी है, 1600 रुपए ही कटी है लाइसेंस की रेनुअल के लिए। अच्छा अच्छा। अब वो आएगा बन के, अब कब कब आएगा पता नहीं। अच्छा। तो अब 16 तारीख दी है? हाँ 16 की दी है, और कल दी 25 की दी है, 21 तारीख ऐसी कुछ वकील साहब को मालूम, उसे पूछ के आपको हम डिटेल मैसेज करके बताएंगे। जनता तो अभी तक आपके साथ खड़ी है सर? जी जी जनता तो है, वो तो है। आप इतने दिन से वहाँ से फोन कर रहे हैं, आपका भी बहुत। तो देखा दोस्तों आपने सुना कि सादत अली सिद्दीकी ने बताया कि 16 तारीख दी गई है, 16 नवंबर यानी, और डेट आगे से आगे बढ़ाई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक सादत अली सिद्दीकी को इंसाफ नहीं मिला, लेकिन आप सबको सादत अली के साथ सपोर्ट करना है। अभी भी सादत अली को आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, आप लोग सपोर्ट और प्यार करेंगे तो क्या पता सादत अली सिद्दीकी को जल्द ही इंसाफ मिल जाए। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए, लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हम सादत अली से जुड़े अपडेट भी देंगे और बाकी तमाम खबरें चलाए रखेंगे। तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स के लिए।